हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुकुनप्रीत कौर, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर में हम अनेक ऐसी क्रियाओं के बारे में डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ तो हम छोटी क्लासों में रह चुके हैं, पर अब हम उनके बारे में डीपली थोड़ा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम चैप्टर में बेटा क्या है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। तो ये तो हम जानते हैं, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, जो सांस ले रहे हैं। संजीवों में क्या होता है, वृद्धि होती है, सजीव वृद्धि करते हैं। अब मैं छोटी सी थी, अब मैं बड़ी हो गई, तो मतलब क्या है, मुझ में वृद्धि हुई है। मैं पहले छोटी थी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे में वृद्धि हुई है। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी होता है, निरंतर उनके में भी वृद्धि चलती रहती है। लेकिन हमारे इंसानों में, मनुष्यों में क्या है कि वृद्धि जो है एक समय पर आकर रुक जाती है, परंतु पेड़ पौधों में ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ पौधों में कोई एज नहीं है वृद्धि की, उन वो जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम उनको पानी देते रहेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि वो सजीव हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई बॉल ले लूं और मैं उसे रोज पानी देती रहूं, क्या वो बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो निर्जीव हैं। तो इसमें हम यही पता करते हैं कि किस तरह से हमें पता चलता है, ऐसी क्या हम किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं सजीव हैं और कौन सी वस्तुएं निर्जीव हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि सजीवों में वृद्धि होती है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। तो ये तो अगर मान लो मुझे कोई किसी ने बताया कि बताओ भाई मेरी घड़ी है, ये सजीव है या निर्जीव है, तो मैं सोच लूँगी पहले भाई इसमें वृद्धि नहीं होती, यानी ये निर्जीव है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ से पता चल गई, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, सजीव जो है अपने शरीर के उत्तकों की मरम्मत करने में समर्थ होते हैं। सजीवों के अंदर, हमारे अंदर इतनी पावर है, इतना हमारे अंदर पावर है कि हम अपने जो अंदर उत्तक हैं हमारे शरीर के, उनकी हम मरम्मत खुद से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या निर्जीव वस्तुओं में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या आती है कि जो संजीव होते हैं, अगर सजीव जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी देते हैं। मुझे किसी ने थप्पड़ मार लिया, मानो मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, तो मैं रिएक्ट तो करूंगी, या तो मैं रोऊंगी या मुझे होगा भाई हाँ लगा है थप्पड़, ठीक है। तो सजीवों में जो है रिएक्शन होते हैं। और हाँ, हमारी जो सजीव होते हैं इनकी बॉडी में, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, चाहे हम किसी काम पे चल रहे हैं, वो हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में क्या क्या चल रहा है। लेकिन सजीवों की बॉडी में, हमारे शरीर में तरह तरह की रिएक्शंस जो हैं चलती रहती हैं। जैसे हमने भोजन कर लिया, ठीक है, हमने खाना खा लिया और हम अपने डेली के जो भी हम काम करते हैं रूटीन में, वो काम करने चले गए। लेकिन क्या होगा, हमें नहीं पता चलता, पर अंदर ही अंदर हमारे जो शरीर में है, जो हमने भोजन खाया था वो पच रहा होता है। तभी तो हमें दोबारा भूख लगती है, नहीं तो हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, दोपहर का खाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारे शरीर में अंदर ही अंदर जो है क्रियाएं चलती रहती हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। किनके शरीर में चलेंगी? सजीवों के शरीर में चलेंगी, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर आपको पता चल गया। सजीव वृद्धि करते हैं, ठीक है, सजीवों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है, सजीवों के शरीर में उत्तकों की मरम्मत करने की क्षमता होती है। सजीव जो हैं वो प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, और सजीव रिएक्ट करते हैं। लेकिन निर्जीवों में ये सब कुछ नहीं होता। अगर हम बात ले लें किसी पौधे की, बरगद का पेड़ ले लें, ठीक है, तो वो बताइए मुझे सजीव है या निर्जीव है? सजीव है। सजीव सांस भी लेते हैं, वृद्धि करते हैं, वो सांस भी ले रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। रात के समय में क्यों हमें बोला जाता है कि हम पेड़ पौधों से दूर रहें, रात के समय पेड़ पौधों के साथ नहीं ज़्यादा रहना चाहिए या उनके पास नहीं जाना चाहिए? क्योंकि रात के समय ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो रात के समय छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, दिन के समय में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। अब सजीव जो पौधे जो हैं वो अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। तो इससे हमें पता चलता है कि पेड़ पौधे जो हैं, बरगद का पेड़ जो है वो एक सजीव है, वो निर्जीव नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे कोई खिलौना ले लें तो वो एक निर्जीव है ना, क्योंकि ना तो उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। आप उसको पटक पटक के मार दो, उसमें कोई भी जो है वो प्रतिक्रिया नहीं देगा आपको,
ठीक है, हम 9th में पढ़ चुके हैं न्यूटन का जो रूल था कि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में होती है और समान होती है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। विपरीत दिशा में कैसे होती है वो तो हमें पता ही है, अगर मुझे कोई थप्पड़ मार रहा है तो मैं खुद को थोड़ी थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ तो उसी को मारूंगी जिसने मुझे मारा था, ठीक है। तो ये चीज थी। अब हम ये चैप्टर हमें पता है थोड़ा लंबा है, तो इस चैप्टर में हम कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे ताकि हमें अच्छे से ये चैप्टर समझ आए। हमें कुछ भी चीज रटनी नहीं है, हमें दिमाग में बिठानी है ताकि आगे चल के वो चीज हमारे काम आए, हमें समझ में आनी चाहिए अच्छी तरह से। अगर हम समझेंगे तभी हम पेपर में करके आ सकेंगे, क्योंकि पेपर में हो सकता है एग्जामिनर कोई बाहर से क्वेश्चन, जिसको हम कह देते हैं कि बाहर से क्वेश्चन आया लेकिन वो बाहर से नहीं होता। हम अगर एनसीईआरटी में डीपली देखें ना तो बेटा वो अपने आप से क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट पुलट कर देते हैं, कुछ बच्चे समझ जाते हैं कुछ बच्चे नहीं समझ आते। समझ कौन से पाते हैं बेटा? जो बच्चे समझते हैं, जो रट्टा मारते हैं उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन बदला हुआ है, क्वेश्चन वही है, आंसर वही आएगा, उनको समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है। समझा हुआ है जिसने, उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन की जगह मैं इसका आंसर लिख दूंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं श्वसन। श्वसन क्या है? अब मैं जो हूं, मेरे शरीर में जो भी मैं भोजन खा रही हूं, ठीक है, उसके ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीकरण यानी उसके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, मेरे शरीर में भोजन जो जा रहा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तब जाके उसका पाचन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, 6वीं 7वीं 8वीं में। तो अब हम बात करते थे श्वसन की। तो श्वसन क्या होता है कि जो मैंने भोजन खाया उसके ऑक्सीकरण के लिए, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और जल्दी से उसका पाचन हो जाए, उसके लिए मुझे अपने पर्यावरण में, मेरे आसपास जो ऑक्सीजन है वो मैं अपने शरीर के अंदर लेके जाती हूँ, ठीक है, वो मैं अपने शरीर के अंदर लेके चली गई। और जिस समय भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा था, जिस समय भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा था उसी समय क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीकरण भोजन का चल रहा है साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब मैं अपने नाक द्वारा बाहर निकालती हूँ तो उसे श्वसन कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा इस पे। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम भोजन के ऑक्सीकरण के लिए अपने वातावरण में आसपास, अपने वातावरण के आसपास से ऑक्सीजन को अपने अपने शरीर के अंदर लेके जाते हैं, और भोजन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। अब श्वसन बेटा हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन बेटा वो होता है जिसके अंदर ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी चीज का, भोजन का या ग्लूकोज का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मेरे शरीर में हो रहा है, ठीक है, उसके दौरान जिस समय ऑक्सीजन हमारे पास वहां पे है, मौजूद है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वो होता है वायवीय श्वसन, ठीक है जी। वायवीय श्वसन में अब कहाँ होता है वायवीय श्वसन? इसके जो प्रथम चरण है, जो पहले थोड़े से चरण है, ये तो हो जाते हैं कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। और बाकी के बचे हुए जो चरण होते हैं, ज्यादातर चरण जो होते हैं इसके, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब जब ये वायवीय श्वसन होता है तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक उसका ग्लूकोज का एक अणु जब उसका ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी बनते हैं, एटीपी के 38 अणु बनते हैं जब एक ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, किसमें? वायवीय श्वसन में, ठीक है। और वायवीय श्वसन में बेटा एक तो हमारे पास CO2, H2O और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं अवायवीय श्वसन। अब ये क्या होता है? देखो वायवीय श्वसन हमें पता लग गया ना, तो अवायवीय श्वसन हमें अपने आप पता लग जाता है, क्योंकि ये जो है वो उसका उल्टा ही है। अवायवीय श्वसन क्या है? अवायवीय श्वसन में एक तो सबसे पहली चीज होगी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, ठीक है, ये चीज हमें वहीं से समझ आ गई जब हमने वायवीय श्वसन को पढ़ा। तो इसके अंदर बेटा क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है? जब ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है तो 2 ATP बनते हैं,
ठीक है, ये केवल कोशिका द्रव्य में होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा श्वसन के बारे में बता देती हूँ कि हमारे शरीर में हम कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा, जब हम सांस लेते हैं, हम सांस किस द्वारा लेते हैं? नाक द्वारा। देखो, मैं सांस लेती हूँ, नाक से मेरी सांस गई यहां तक। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने सांस ली और मेरी सीधा फेफड़ों तक चली गई और सारी प्रक्रिया हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ, सुनिएगा। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल हैं। इन बालों का क्या काम है? ये जो बाल होते हैं ना हमारे नाक के, ये जो है, जो हमारे अंदर वायु जा रही है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने अंदर, इस जब हम सांस लेते हैं तो वो जो वायु हमारे अंदर जा रही है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, उसको प्योर करने के लिए, जैसे पानी को प्योर करने के लिए हमने घर में फिल्टर लगा लिया, ऐसे भगवान ने नाक में छोटे छोटे बाल दिए हुए हैं, जिससे हमारे जो सांस में धूल के कण हैं वो जो जा रहे हैं वो यहाँ पे फिल्टर हो जाए। एक किस्म का फिल्टर ही है ये, आर ओ ही आपके, आपका जो नाक है ये, इसको आर ओ ही मान के चलो, ये आपके अंदर वायु को प्योर करके भेजता है। इसीलिए कहते हैं मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, सांस नाक से ही लो। ठीक है, तो अब क्या होता है, वायु में भाई मेरे अंदर चली गई स्वच्छ ऑक्सीजन, कंठ तक मेरे तक पहुंच गई। ठीक है, यहां तक पहुंची, अब इसके बाद फेफड़ों में पहुंच गई। अब ये जो पसलियां हैं ये ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ये देखो उठ रखी है, देखो ये ऊपर की ओर उठ गई। डायाफोम जो है वो चपटा हो जाता है, सॉरी, डायाफोम चपटा हो जाता है। तो अब इससे क्या होता है, अब फेफड़ों तक तो पहुंच गई वायु, उसके बाद क्या होता है बेटा, हमारे फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी कुपिकाएं हैं। ठीक है, अनेक हैं ये, बहुत सारी कुपिकाएं, ये सारे, ये जो कुपिकाएं होती हैं इनके एंड में, मतलब सिरे पे गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ठीक है, कुपिकाओं के एंड में गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है। ठीक है, अब इनका क्या काम होता है, इनकी सतह पर बेटा, कुपिकाओं की सतह पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, इन दोनों गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ, अब हमारे, मैं बता रही थी कि ऑक्सीजन जो है हमारे नाक से होकर हमारे फेफड़ों तक पहुंच गई, हमारे फेफड़ों में जो रुधिर था, ठीक है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। अब जो ये हीमोग्लोबिन था, जब तक तो मैंने सांस नहीं ली थी, जब तक मैंने सांस नहीं ली थी तब तक ये हीमोग्लोबिन केवल हीमोग्लोबिन था, परंतु जब मैंने अंदर सांस ली, मैं अंदर ऑक्सीजन लेके गई, तो ये हीमोग्लोबिन किस में बदल गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। किस में बदल गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मतलब अब जो है कुपिकाएं हमारे अंदर चली गई ऑक्सीजन, अब कुपिकाओं का क्या काम रहता है कि वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेज देती है। ठीक है, कुपिकाओं की सतह पर गैसों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, कुपिकाओं ने पूरे शरीर में क्या किया, ऑक्सीजन को भेज दिया। अब क्या होगा, उसी समय पे जिस समय ये क्रिया चल रही है, हमारी जो रक्त में, पूरे रक्त में हमारे में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे रक्त में, उसने क्या, उसने हमारे रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी, कुपिकाओं ने एक और काम किया। क्या काम किया कुपिकाओं ने, उन्होंने उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ों में ला दिया, इकट्ठा करके पूरे शरीर से फेफड़ों में ले आई। अब जब हम सांस ले तो चुके, ऑक्सीजन अंदर कर चुके, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तब निकल जाएगी जब हम सांस को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार बेटा श्वसन क्रिया चलती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अब हम आगे के टॉपिक्स अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।